कल धीजपुरा गांव में मुकेश कुमार बोर्डक की अनावरण था मूर्ति का, शहीद मुकेश कुमार की। उसमें सारे अतिथि आए, केंद्र अपने राजस्व ये वन पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार एमाराम जी, चौधरी नारायण सिंह जी, सुभाष जी मैरिया, सुरेश जी मोदी और कई बहुत सारे लोग जो दतरामट के थे, सारे कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हुए। सबकी इच्छा थी कि ये मूर्ति का अनावरण हो, शहीद की मूर्ति का अनावरण हो। और हमारी जो क्षेत्र है शिकावटी, वो शहीदों की भूमि है। इसमें जितने भी परमवीर चक्र मिले, जितने भी शौर्य चक्र मिले, जितने भी फौज में आदमी आज की तारीख में हैं, संख्या गिन लो, देख लो, और जितना शौर्य अगर यहाँ शिकावटी में नहीं मिलता हो तो मुझे बता दो। सारी शिकावटी में शौर्य की गाथाएँ गाई जाती हैं। यहाँ हर चिताओं पे मेले लगते हैं, जश्न होता है। हम उनकी मौत को एक जश्न के रूप में मनाते हैं, मौत नहीं मानते उनको, ये हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। मैंने कल आज मीडिया ये बोल रही है, कई मीडिया के मेरे पास फ़ोन आया, अखबार में मैंने सुबह पढ़ा, एक पेपर में आया था कि वीरेंद्र सिंह के विवादित बोल थे एक विधायक के, तो मुझे अजीब सा लगा, मुझे तकलीफ ही हुई कि मैंने विवादित ऐसा क्या बोल दिया। ठीक है, मैंने किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया, किसी राजनीतिक फायदे के लिए मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी आज विजय दिवस है या शौर्य दिवस, विजय आज जो मनाया जा रहा है बांग्लादेश की आज़ादी, बांग्लादेश को आज़ाद कराने का जो काम इंदिरा गांधी ने किया था, वो आज का दिन है। इसका नाम क्या है वेद? आज जो दिन विजय दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सेनाओं से, सेना के फौजियों से हमारे रिश्ते, हम किसान के बेटे हैं, किसान का बेटा ही जवान होता है। किसान और जवान के बीच में फर्क नहीं होता, किसान और जवान का बेटा होता। आज इंदिरा गांधी ने इस देश को, बांग्लादेश को अलग राष्ट्र के रूप में और एक साउथ एशिया है उसका एक नक्शा चेंज कर दिया था। आज पूरे आपने प्रिंट मीडिया में छापा है, पढ़ लीजिए आप उसको, उसमें सारे में आया है। 1971 में वो सब कुछ हुआ था, जो भी सन हुआ होगा, 1971 आई नो कि 1971 ही था, उसमें ये इंदिरा गांधी ने किया था। उसमें ये कभी भी जिस देश ने भी फौज को, सेना को शामिल किया है वो पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान में कितनी बार सेना का शासन हुआ? सेना को अगर राजनीति में इन्वॉल्व करोगे, निश्चित रूप से उस देश को, लोकतंत्र की, उसकी प्रजातंत्र को नुकसान होगा। मैंने ये छोटी सी बात, एक हल्की सी बात, मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता था, मैं डिटेल में नहीं गया। मुझे बोलना होता मैं पूरे लंबे समय तक उसमें बोलता, मैं पूरी बात अपनी कह नहीं पाया। जब मुझे जिस मन से मौका मिलेगा मैं पूरी बात कहूँगा। मैंने ये कहा है अजीब सहयोग क्यों हुआ ये पुलवामा हमला। मैं आज मेरे बयान से पीछे नहीं हट रहा, पुलवामा हमला हुआ वो, उससे फ़ायदा हम आम हिंदुस्तानी को पता है। मुझ पर शक की निगाहों से देखो या मैंने कोई गलत बोला हो, तुम आम हिंदुस्तानी से एक एक आदमी को जाके पूछो क्या सरकार की अचीवमेंट थे। काला धन ले आएंगे, नोटबंदी लेके आए, काला धन के नाम पे नोटबंदी लेके आए, जीएसटी लेके आए, लॉकडाउन इन्होंने लगाया, लॉकडाउन इतना हार्ड लॉकडाउन जो हिंदुस्तान के अंदर जो लॉकडाउन लगा वो वर्ल्ड वाइड ये जो कहीं भी नहीं लगा हुआ, इतना हार्ड लॉकडाउन था। उसके बाद हजार हजार दो दो हजार किलोमीटर तक लोग, बिहार के लोग पैदल चले। मेरी भावना मेरी नहीं थी, भावना उन लोगों की थी जो फौज में रहे हैं, उनकी भावना थी। जो मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैं तो पूरा बोला भी नहीं, मैंने एक सवाल खड़ा नहीं किया। मैंने ये कहा कि ये संयोग क्यों होते हैं, पुलवामा हमला हुआ ये संयोग क्यों था, उसे क्या बीजेपी फ़ायदा नहीं मिला? मैंने और चैनल को नहीं बोला, नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट नहीं आई वापस? कितने क्लैप्स सरकार थी जो वादे लेके आई थी कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम काला धन ले आएंगे, हम जितना भी उनका था, जो भी एजेंडा उनका था, मोदी जी ने बोले हो, जितना भी एजेंडा उनका था, क्या कर पाए पूरा? एक चीज़ है उन्होंने कर पाए तो बता दो मुझे,
लेकिन एक अजीब संयोग हुआ, उससे ये राष्ट्र की भावना, हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना है और हमारी भी है राष्ट्र के प्रति भावना। नेचुरली चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन राष्ट्र का जहाँ मामला होगा, देश का जहाँ मामला होगा, उसकी हित की बात होगी, तो चाहे कोई पार्टी हो, किसी पार्टी हो, हम उसके साथ खड़े होंगे, राष्ट्र के साथ खड़े होंगे। तो मैंने क्या कहाँ गलत बोला है? मीडिया छाप रही है, मुझे बार बार चैनल वाले फ़ोन कर रहे हैं, मैंने क्या गलत बोला? मैंने एक बोला, ये अजीब तीन सहयोग क्यों है? ये मैगजीन विपिन रावत से जोड़ रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी, विपिन रावत की हाई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके प्लेन क्रैश को चलो ठीक है, मैं साजिश नहीं बोल रहा, लेकिन एक गवर्नमेंट क्लैप्स तो है ना, एक सरकारी तंत्र की एक क्लैप्स है, सरकारी तंत्र का इतना जो राष्ट्राध्यक्ष, तीन सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, उसकी भी अगर क्लैप्स हो जाए तो ये ब्याह शादियों में हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, उनकी सिक्योरिटी कौन लेगा? तो उनकी सिक्योरिटी की तो है, उनकी इतने संसाधन आपके पास हैं, उनके भी क्लैप्स हो सकते हैं। तो सवाल ये था सरकार से, एक आम नागरिक के हिसाब से, एक विधायक के नाते क्यों पूछते हो मुझे? मैंने एक आम हिंदुस्तान के नागरिक के हिसाब से एक सवाल खड़े किए हैं, तो उनका समाधान करें सरकार, मुझे खुशी होगी, उसका जवाब दें सरकार, मुझे खुशी होगी, हर हिंदुस्तानी को खुशी होगी। थैंक यू। ABP News, आपको रखे आगे।